इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था अपन को जनजातीय व्यक्तित्व जनजातियां सारी हो गई थी अपनी जनजाति देख ही ली थी अपन ने अन्य महत्वपूर्ण जनजाति देख ली थी और घूमंतु जनजाति देख ली थी अपन ने अब उनको देखना है इन जनजातियों में से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं जिनका योगदान किसी ना किसी प्रकार से समाज इनके जनजातियों के उत्थान में या समाज के उत्थान में या देश के उत्थान में जो लगा है उनको देखेंगे साथ में स्वतंत्रता संग्राम जो रहा था भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो रहा था उनमें जिन जनजातियों का योगदान रहा उनको देखेंगे अपन ठीक है ना तो देखिए अब इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए ये अपना हो गया इसमें भौगोलिक विस्तार ये सब चारी हो गए इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश में जनजातियों संबंधित प्रमुख संस्थान संग्रहालय प्रकाशन मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य ये वाला टॉपिक करने है। इस टॉपिक में अपन ये पहला वाला पॉइंट देख रहे हैं इसमें ठीक है ना स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान स्वाभिमान एवं स्वायत्ता के लिए जितना बलिदान और संघर्ष जनजातियों का है वैसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता जी भूमिका है ठीक है ना सबका योगदान है जनजातियों का भी योगदान है सबका योगदान है ठीक है ना जंगलों में रहने के बाद भी समाज से दूर रहने के बाद भी देश के देश के प्रति देश भावना में कोई कमी नहीं छोड़ी किसने जनजातियों ने भारत में प्रति बाकी और जनता के पास या और समाज के पास तो हथियार थे इनके पास तो तीर कमान थे और अपने अपने हथियार थे उन्हें लेकर भी वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए चले गए थे जहां अंग्रेजों के पास क्या था बंदूकें थी प्रत्येक भारत में प्रत्येक विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध जनजातियों ने सबसे पहले शस्त्र उठाए हैं अंग्रेज राज्य में सबसे पहले जनजातियों ने स्वात्ता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए मजरों टोलों से तीर कमान उठाए और अंग्रेजों से संघर्ष किए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के जनजातीय समुदाय द्वारा जो संघर्ष किया गया उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों ने भी विशेष भूमिका और योगदान दिया अब उनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी जनजाति या कौन कौन से व्यक्ति थे वो जैसे पहला आया कौन सा भील विद्रोह अब यहाँ पे आपकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और इस भील विद्रोह में जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हुए स्थान ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब भील विद्रोह कब हुआ अठारह में क्रांति कब आई थी अठारह में उससे पहले आप जानते हैं एकदम तो आती नहीं है भूमिकाएं जमती है हर चीज की बड़ी की कोई चीज होती है उसके पहले कोई छोटी छोटी घटनाएं होती है तो वो घटनाएं घट गट रही है तो भील विद्रोह हुआ कब अठारह में अठारह सत्रह में खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ कहां पर हुआ खानदेश खानदेश का नाम जानते हैं क्या है वर्तमान में क्या कहते हैं इसे बुरानपुर कहते हैं नेतृत्वकर्ता कौन निकले यहां से सेवाराम तो आप जानते हैं कि पेपर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहां पे एक हो गया ईयर एक हो गया स्थान और एक हो गया नेतृत्व करता तो बिल विद्रोह में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई अठारह सत्रह में हुआ था ठीक है खान देश में हुआ था नेतृत्व कौन हो गए सेवाराम कारण क्या था कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप क्या हस्तक्षेप करेंगे करी बढ़ाएंगे और क्या करेंगे अपने अनुसार काम कराएंगे अंग्रेजों ने इस विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्रय का संबंध बताया अंग्रेज कह रहे हैं जे व्यक्ति है ना जे करवा रहा है विद्रोह हमने कह दिया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमारे तो काम में टांगा रहे हैं अंग्रेज का कह रहे हैं कौन करवा रहा है भीलों में तो इतना ज्ञान नहीं था तो कौन करवा रहा है त्यम्बक का संबंध बताया त्यम्बक ने भीलों के अंचल में शरण ली और वहां भीलों को प्रेरित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा ठीक है ना तो ये हो गया कौन सा विद्रोह वीरभद्र बदरोय क्या देखा बिल में अपन ने हाँ। समझ में आया कि नहीं आया मतलब तीन लाइन में आप बदरोय बता देंगे कि नहीं अपने नोट्स में तीन लाइन में आप चीजें बता देंगे कि नहीं कब हुआ अठारह में नेतृत्व करता कौन निकले सेवाराम कहा हुआ खानदेश कारण क्या था कृषि और वनोपज में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करना अंग्रेजों ने किसको माना त्रम्यक इसको माना मुझे लगता है अभील विद्रोह हो गया खत्म आओ अगले विद्रोह पे चले बुंदेला विद्रोह है कौन सा 1842 में हुआ ये कब हुआ ये नागपुर के तात्कालिक शासक अप्पाजी भोंसले से प्राप्त क्षेत्रों से अंग्रेजों ने सागर नर्मदा टेरिटरीज का गठन सन 1820 में किया गया था किया गया था नहीं किया था ठीक है ना कौन थे अप्पाजी इनसे जमीन कौन ने प्राप्त की जैसे रहा है ना नागपुर के तात्कालिक शासक अपी भोसले से प्राप्त क्षेत्रों से अंग्रेजों ने एक टेरेटरीज बनाई जो क्या नाम से कहलाई सागर नर्मदा क्या नाम से कहलाई अब टेरेटरीज बनाई फिर क्या हुआ सागर नर्मदा टेरेटरीज के प्रशासक का उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल के एजेंट के पास था इस एजेंट का मुख्यालय कहां था सागर अंग्रेज तो जाते नहीं थे अंग्रेजों का कोई ना कोई व्यक्ति जाता था सबरे अंग्रेज थोड़ी चले जाएंगे सागर नर्मदा ट्रेटरीज के निवासियों में मुक्ते गौण कुर्मी लोधी एवं बुंदेला राजपूत ये रहते थे सागर में कौन रहते थे सागर नर्मदा टेटरीज में कौन निवास करते थे गौड़ कुर्मी लोधी और बुंदेला राज तो विद्रोह भी कौन करेगा जी करेंगे कि नहीं आओ तो देखते हैं विद्रोह के कारण देखो 1833 सौ में मार्टिन वर्ल्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भूमि कर की दर को बढ़ा दिया है अंग्रेजों ने तो आप देखना अंग्रेजों ने कई काम किया है हमेशा टैक्स बढ़ाया है भारत के राजाओं से टैक्स में छूट और भारत के आम नागरिकों पर टैक्स टैक्स का भजन यही काम किए हैं कि नहीं हुए बस इसमें भी तो चालू हुए हैं उनके अगर राजा टैक्स में छूट नहीं दे रहा तो वहां लड़ाई और तुम टैक्स नहीं दे रहा तो तुमसे लड़ाई कुल मिलाकर लड़ाई लड़ना है टैक्स पे ही लड़ना है और कमाई कहा है टैक्स पे समझ में आया कि नहीं आया आपको एक कारण और बताएंगे इसमें जब अठारह सत्तावन क्रांति और भारत में जब गुलाम हो जाता है पूरी तरीके से तो किस तरीके से ये अपनी बुद्धि लगाते हैं मतलब एक शब्द होता ना पूंजीवाद नाम तो सुना होगा भाई पहले तो पूंजीवाद दुनिया में नहीं था ना फिर ये पूंजीवाद का अब वाला कैसे हो रहा है कैसे एक पूंजीवाद बन जाते हैं एक पूंजीवाद देश हो जाता है एक पूंजीवाद समाज हो जाता है और एक पूंजीवाद व्यक्ति बन जाए और ये सारे सारे व्यक्ति के विचार से उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे तो ये पूंजीवाद बना कैसे जाता है पूंजीवाद में महत्व तो काय को दिया जाता है पैसे को दिया जाता है काय को पैसे को महत्व तो दिया जाता है व्यापार को महत्व तो दिया जाता है व्यापारी सब कुछ है बस होना चाहिए कैसे ही होना चाहिए और लाभ मिलना चाहिए घाटे बांटा नहीं का मिलना चाहिए लाभ तो ऐसा क्या किया था अंग्रेजों ने कुछ तो किया होगा समझ तो में आ रही कि नहीं अरे भाई कुछ तो किया होगा ना तो क्या किया था वो बताएंगे एक दिन जिसके कारण टैक्स तो हो गए इस टैक्स के कारण जो उनका व्यापार बढ़ा उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो बने होंगे कि नहीं बने होंगे जिसमें भारतीय जो हस्त करगा था हैंडलूम वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए और अंग्रेज पनपते ही चले गए हम घर में बना रहे हैं कपड़ा तो महंगे पड़ रहे हैं बाहर से जमे चले तो सस्ते पड़ रहे हैं तो कुछ तो कंडीशन हुई होगी कि नहीं तो देखिए 1835 का 20 साल 20 साल बंदोबस्त बंदोबस्त जानते हैं आज भी चलता है बंदोबस्त बंदोबस्त जी है जी प्लॉट है इस प्लॉट में आपने की सीमा बंदी कर दी ये अब आपका हो गया ना ये होगा इंच रख सकता है ना इंच इसमें कम हो सकता है इसे कहते हैं क्या बंदोबस्त सेटलमेंट जमीन का ठीक है ना तो कितने साल का किया था इन्होंने बीस साल बंदोबस्त किया माल गुजारों एवं जमींदारों के अधिकारों में कमी और जमींदारों से बेदखल करना एवं उनके विरुद्ध डिग्री जारी करना क्या करना एक तो इन्होंने क्या किया जमींदारों के अधिकार कम कर दिए फिर कुछ जमींदारों जमीदारी से बेदेखल कर दिया और उनको डिक्री डिक्री मतलब करते हैं क्या कुर्की कर देना क्या कर देना कुर्की कर देना तो तीन कारण देख लिया आपने टैक्स बंदोबस्त और जमींदार इन्हें परेशान करना जी क्या बन गए आपके विद्रोह के कारण कौन से विद्रोह के कारण कुंदेला विद्रोह कहा हुआ था सागर टेरेटरीज में कहा पर हुआ था कब हुआ था बयालीस आओ पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों के रखने एवं बिक्री पर रोक लगा दी लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको हाँ तो फोन पे बात कर लेते हैं विद्रोह का प्रारंभ देखो जैतपुर के राजा पारिषद द्वारा बुंदेलखंड में काशी के बड़वा मंगल जैसा आयोजन करने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु समस्त राजाओं को प्रेरित करने का विचार दिया गया मतलब बुंदेला विद्रोह को जो शुरुआत किया था वो किसने किया था राजा पारी ने किया था कौन ने ठीक है ना प्रमुख विद्रोही कौन कौन हुए देखिए नारहट के जमीदार मधुकर साय एवं गणेशजू कौन कौन हुए पढ़ो मधुकर साय का नाम तो सुना है आपने लगा तो है ना आदि कहां से आए थे लड़वे नारहट से चंद्रपुर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला कौन से बुंदेला जवाहर सिंह बुंदेला और हीरापुर तालुके के राजा हृदय साय हृदय का नाम भी सुना है आपने और गुड़ा के ठाकुर विक्रमजीत ये आए काल लड़वे प्रमुख विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया चिरगांव के भगत सिंह और जैतपुर रियासत के शासक राजा पारिष्ठित और मदनपुर के ढिल्लन साय इन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई मतलब बहुत बड़ा विद्रोह हो गया तो इतने राजा आ रहे हैं तो विद्रोह बड़ा हुआ कि नहीं हुआ और जो बड़ा हुआ वो हमें इंपॉर्टेंट हुआ ठीक है ना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं सारे प्रमुख जनजाति विद्रोह अलग देगी ये खत्म हो गया कौन सा पढ़ रहे थे कौन सा विद्रोह देखिए पहला पढ़ा हमने भील विद्रोह अठारह सत्रह में हुआ ओ हाँ कहा हुआ देश में किसने किया सामने। किसने किया सेवाराम हो गए कारण समझे गए दूसरा हुआ कौन सा बुंदेला विद्रोह कब हुआ कारण आपने समझ गए टैक्स बढ़ाना जमींदारी को कम करना और बेदखल करना ठीक है ना और शास्त्रों पर शस्त्रों पर शास्त्र नहीं शस्त्र पर लाइसेंस जारी करना ठीक है ना शुरुआत किसने करी पारिषद जैतपुर से और कहां पर हुआ सागर नर्मदा टेरिटरीज़ से किससे प्राप्त हुआ था सागर अंग्रेजों को सागर किससे किससे प्राप्त हुई थी से तो आप जानते कारण इसके ये सारी को अब आगे के और विद्रोह देखिए प्रमुख जनजाति शिवराज सिंह गौड़ चौहान नहीं शिवराज सिंह गौड़ ठीक है ना नहीं शिवराज सिंह चौहान समझ रहे जीतना मुश्किल हो जाएगा अभी ये देवरी तहसील सागर के जागीदार थे आगे देवरी तहसील सागर के जागीदार तुम सागर ध्यान रखो इन्होंने अठारह सौ बयासी के बुंदेला विद्रोह में जयपुर के राजा परिषद का सहयोग किया था तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित हो गए ठीक है ना शिवराज सिंह गौड़ सात किसका दिया इन्होंने परिषद कौन से विद्रोह में कब हुआ था वैसे देखिए बहुत है रणजोड़ सिंह गौड़ रणजोड़ सिंह सुथल्ला निवासी थे इन्होंने अठारह बुंदेला विद्रोह में राजा परिषद का सहयोग किया लल्ला गौड़ और फूलन साह इनके सहन सहयोग थी मतलब ये भी गए पारिष्छद के तो आप सर राजा पारिष्छद ने शुरू किया तो बहुत बड़े एरिया से शुरुआत की थी उसकी ठीक है ना तो दो व्यक्तियों के सहयोगी व्यक्तियों के हमने नाम देख लिए एक का नाम था शिवराज सिंह गौड़ दूसरा कौन थे रणसोर सिंह गौड़ <coughs> दिलराज सिंह गौड़ अब गौड़ क्यों पढ़ रहे हैं गौण क्या है विद्रोह कौन से पढ़ रहे हैं हाँ। बुंदेला क्रांति के नायक सिंह ने बुंदेला में अंग्रेजों से लोहा लिया अंग्रेजों ने कभी पकड़ नहीं पाए ठीक है ना कौन नहीं पकड़ पाए अंग्रेज किसको दिलराज सिंह गौड़ फिर आए राजा अर्जुन सिंह गौड़ फतेहपुर के जागीरदार इन्होंने अठारह में बुंदेला विद्रोह में राजा पारिषद सन अठारह में तात्या टोपी की सहायता करी तो राजा पारिषद और तो तात्या टोपी की सहायता करी किसने अर्जुन सिंह ने परिणाम कहने के लिए आप देखिए साथ तो दिया अग्निशो लड़ाई चालू हो गई परिणाम निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे तो रिजल्ट देखिए राज्य के एजेंड सिलीमैन को सी फ्रेजर के स्थान पर सागर और नर्दा टेरेटरीज का कमिश्नर बना दिया गया भाई भगा दिया तेरे कारण विद्रोह हो रहा तू चल जहां से किसको बना दिया गया किसको बना दिया गया दीवानी न्याय व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए सिविल जज और सेशन जज नामक अलग अधिकारी नियुक्त किए गए विद्रोह बड़ा था जज आ गए नियुक्त होकर फौजदारी मामलों के लिए सिविल और सेशन जज को निजामत अदालत के अंतर्गत रख दिया गया अदालत का नाम है क्या निजामत अठारह सत्तावन के महान विद्रोह में शामिल होने वालों में कई तालुकेदार जमींदार और जागीरदार भी थे जिन्होंने अठारह सो बयालीस के बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था मतलब अठारह सो बयालीस में जिन्होंने भाग लिया था उनमें से बहुत सारों ने काय में भाग लिया था अठारह सत्तावन क्रांति में भाग लिया था सत्तावन क्रांति में जनजातियों का योगदान देखिए बयालीस पढ़ ही लिया अब सीधा सत्तावन पे आओ तो मध्य प्रदेश में अठारह सौ सत्तावन क्रांति की पृष्ठभूमि अठारह सौ बयालीस के बुंदेला विद्रोह के पश्चात निर्मित हो चुकी थी अभी हाल देखा ही हमने एक तरफ पूरे के पूरे सारे सारे इकट्ठे हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ तो यहीं से आग लगना चालू हो गई थी अठारह सत्तावन क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीम छावनी में तीन जून अठारह को हुआ था भारत का पूछेगा तो क्या लगाओगे मेरठ चामनी मध्य प्रदेश में कहां से नीमच चामनी से कब हुआ अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिछिया राहगढ़ मतलब कटनी में विद्रोहियों का नेता राजा सरजू प्रसाद सिंह ने किया कटनी में किसने किया था चौसठ में जबलपुर में ये अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए गए इन पर राजदौर लगाकर काले पानी की सजा दी गई इन्हें काले पानी सजा कहा देते क्या होता था, था काले पानी भेज देते तो फिर काला पानी क्यों कहते थे अंधेरा रहता था, था? आ, क्या ज्ञान है आपका हाँ इसे कहते हैं काले पानी की सजा कुछ ना दिखाई दे केवल पानी पानी दिखाई दे समझ आया कि नहीं आया चल रहे हो बस आखिरी में कब निकलोगे जब तुम्हारी मौत हो जाएगी ये कहते हैं काले पानी की सजा सूरज नहीं है कहा ना काला पानी सूरज नहीं है पानी की आवाज आ रही है काला पानी की सजा हो गई सागर में अठारह सत्तावन क्रांति का आरंभ 1 जुलाई को सागर में तैनात बंगाल आर्मी की तृतीय रेजिमेंट केवलारी के सैनिकों ने किया अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं सागर में विद्रोह किसने प्रारंभ किया था पढ़ तो लेना ये तो हिंदी पढ़ो नहीं तुम सब उर्दू के निवासी हो तुम थोड़ी हिंदी पढ़ा रहे हैं ना हिंदी पढ़ो पढ़ के देखो जी लाइन को एक बार तुमसे तो कहे बुला हुआ करवा लो बस अकेला बस गवा लो घर वाले भी प्रेरित हो जाओगे क्या पढ़ाई चलती है यहाँ सागर में अठारह सो क्रांति का आरंभ कब हुआ था एक जुलाई किसने किया था भयंगर हो एक बात जरूर है लकीर के फकीर हो भयंगर किसने किया था तुम्हें तो कहीं से पढ़ रहे हैं सागर में तैनात बंगाल आर्मी की रेजिमेंट ही चालू किया था डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या बंगाल आर्मी की रेजिमेंट केवलारी के सैनिकों ने किया था ठीक है ना सागर जिले में सन अठारह सत्तावन में जो विद्रोह हुआ उसमें सायगढ़ के राजा वक्तवली की भूमिका महत्वपूर्ण रही सत्तावन क्रांति का नेतृत्व मंडला जिले अब डिंडोरी जिला हो गया है मंडला डिंडोरी हो गया है मंडला भी है लाल डिंडोरी भी है पर जो क्षेत्र कह रहे हैं वो कहां पहुंच गए अब डिंडोरी में रामगढ़ रियासत की विधवा रानी अवंतीबाई ने किया था अवंतीबाई का नाम तो सुन रखा है आपने ठीक है ना इन्होंने क्रांति कहां से चालू करी थी कहा से रामगढ़ से रामगढ़ कहाँ है अब ढिंडोरी में कहां पर है ढिंडोरी नहीं मिलेगा तो क्या लगाओगे मंडला लगाओगे ठीक है मंडला पर आक्रमण के दौरान कैप्टन वॉडिंगटन व रानी के मध्य संघर्ष घेरी नामक ग्राम में हुआ जिसमें वॉडिंगटन पराजित हुआ तो इंपॉर्टेंट लाइन हो गई अवंती बाई की लड़ाई किससे हुई थी वॉडिंगटन भेज दिया इसे वॉशिंग्टन में ठीक है ना समझ तो में आए ना वॉशिंगटन का मतलब होता है वॉशिंग मशीन में एक टन कपड़े धोना तो इन्हें भेज दिया वहां पर और इनका काम खत्म 20 मार्च अठारह को अंग्रेजी सेनापति वाल्टन के साथ युद्ध में पराजय देख रानी अवंती बाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार स्वयं को घोंपकर प्राणों की आहुति दे दी थी ठीक है ना कौन सा युद्ध तो चल रहा था वॉशिंगटन ही तो भेज दिया था बाकी वॉशिंग मशीन में कर दी थी धुलाई लेकिन बाल्टन आ गया था उससे हारते हुए अपने को देखकर इन्होंने स्वयं को क्या कर लिया खत्म कर लिया अंगरक्षी का कौन थी इनकी गिरधारी भाई स्वयं तो को मानना ही बहुत बड़ी बात है मान लियोगे तो बोले फिर तो मर जाऊं मैं तो मर के बताओ <laughs> कह दो तो। तो मर जाऊं मर जाइयो पड़ोसी से कहते हैं अब हर एक एक चाकू लेकर आए जैसे ही बगल वाला कहे मेरी जीवन में बहुत समस्या मैं तो बढ़ जाऊं ले ले बल <laughs> बैतूल में पटेल बंधु शिवदीन एवं रामदीन द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अठारह सत्तावन क्रांति का नेतृत्व दौलत सिंह राव और बड़जोर सिंह द्वारा किया गया अब देखो आप क्षेत्रों के नाम तो पूछेंगे आपसे ठीक है देवी सिंह गौड ने मई अठारह में सायपुर जबेरा संग्रामपुर मजौली कटंगी में अंग्रेजों से संघर्ष किया मेन मेन का जैसे दतिया का पूछ लेंगे ठीक है ना आपसे बैतूल में पूछ लिया इमरत भोई सरेआम देख रहे हैं आप नाम <laughs> इमरती भोई सरयाम तात्या टोपे हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया सरवर सिंह गौड़ ने भोपाल रियासत में अठारह सत्तावन की क्रांति में गौर तथा अन्य समुदायों को साथ में लेकर अंग्रेजों का विरोध किया सीताराम कंवर ने अठारह सत्तावन के स्वतंत्रता संग्राम में निर्माण क्षेत्र में विद्रोह किया निर्माण साय नाम सुन रखा है इंपॉर्टेंट है साय नाम से सरकार ने अभी भयंकर राजनीति करी है तो इंपॉर्टेंट है रघुनाथ साय ने बावनवी रेजिमेंट के सिपाहियों को अपनी ओर मिलाया देख रहे अंग्रेजा नहीं मिला ला इन तो ये थे महान व्यक्ति मतलब बात करने का तरीका समझ और कविता के माध्यम से जनता में क्रांति जोड़ दी क्रांति पहला दिखाई के माध्यम से कविता के माध्यम से तो सोच के देखो गाया होगा राजा शंकर साय महारानी दुर्गावती के वंशज थे कौन जिन्होंने अठारह सत्तावन क्रांति का नेतृत्व जबलपुर में किया था क्लियर है राजा शंकर साय ने 11 जुलाई अठारह को असंतुष्ट सैनिकों जमींदारों मालगुजारों बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की ब्यावनवी पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति का प्रसार किया तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा जबलपुर बन सकता है या महाकौशल बन सकता है यहाँ सत्तावन क्रांति का नेतृत्व किसने किया था किसने शंकर शायद ठीक है ना अब जानते जब अमित शाह आए थे या मोदी सा, अमित शाह आए थे तो, तो जबलपुर से एक योजना का प्रारंभ किया था कौन सी उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना तो आप से क्यों प्रारंभ किया था तो अब तुम समझ गए ठीक है ना अमित शाह आए थे शंकर शायद के टाइम पर उन्होंने चालू करी क्या योजना शायद होंगे अठारह की क्रांति में निर्माण क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व ख्वाजा नायक के नायक ने भी किया अभी इनका नाम आप पढ़ते हैं पढ़ते हैं कि नहीं खाजिया नायक का नाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट इनका भी हो जाएगा भैया ने क्या क्या किया नामक <laughs> नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए। इसमें? कौन की? अंग्रेजों की एक पलटन थी जिसका नाम था क्या जहां उन्होंने सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था इनको सौंपा, सौंपा। इन्हें तो काम हो दे दो तुम और क्रांति अलग फैला दी वहां पे अंग्रेज ही परेशान हो गए अंग्रेज सरकार ने खाजियान नायक पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया ग्यारह अप्रैल अठारह को बड़वानी और सलावत के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेज एवं भील सेना का युद्ध हुआ जिसमें खाजियान नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए और कर्नल जेम्स आउट्रम द्वारा खाजियान नायक को भी मार दिया गया अभी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुत्र भी इंपॉर्टेंट है इनके किससे लड़ाई हुई ये भी इंपॉर्टेंट है कहा हुई ये भी इंपॉर्टेंट है फरवरी अठारह में सतपुड़ा पर्वत से रामगढ़ किले के, के, उत्तर में पंचावली नामक स्थान पर हुए युद्ध में भील क्रांतिकारी पराजित हुए तथा भीमा नायक की मां सहित 10 आदिवासी मारे गए अब ये लड़ाई याद रखना कौन सी अभी पढ़ेंगे दोबारा से जनजाति आंदोलन में अंग्रेज से अंग्रेजों से सतपुड़ा पहाड़ी में बसे आदिवासियों ने अपा साहब तथा तात्या टोपे के साथ मिलकर लोहा लिया तात्या टोपे की भूमिका देख रहे हैं आप आदिवासियों के साथ है अंग्रेजों के साथ है नहीं अंग्रेजों के विरुद्ध है राजाओं के साथ है जमींदारों के साथ है मतलब कितने महान क्रांतिकारी हुए होंगे मतलब उन्होंने तो जानी थी लड़ने अपने तो अंग्रेजों से कोई के साथ मिलकर लड़े बस मध्य प्रदेश में आदिवासियों में अठारह की क्रांति की चेतना जागृत करने वालों में भीमा नायक का नाम सर्वोपरि है मुझे लगता है आपने पढ़ा है बस अब जनजाति है और स्पेशल यूनिट हो गई है तो अब यहां डिटेल पढ़ेंगे आप इनकी भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाई हुई उनमें निम्नलिखित लड़ाइयां हैं। पहली देखो 24 अगस्त अठारह सत्तावन को पंचास पंचास अवल की लड़ाई हुई की अब हुई थी और देखिए 11 अप्रैल और ये कितने की थी चौबीस अगस्त फिर ग्यारह अप्रैल अठारह सत्तावन की अम्मा पानी की लड़ाई हुई कौन सी यहाँ पर आप जानते आदिवासियों को मारा गया था की मां ना उसमें अम्मा पानी की युद्ध में नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया किसी परास्त कर दिया तो बेबंदुक उनके पास तीर वे पराजित हो गए चार फरवरी अठारह की धावा बावड़ी की लड़ाई हुई नौ फरवरी अठारह सो उनसठ की पंचाबावली की लड़ाई हुई वस्तु अम्बा पानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही दो तो अप्रैल अठारह को अंग्रेजों ने सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया कहा की सजा के तहत अंडमान निकोबार की जेल में 29 दिसंबर अठारह को भीमा नायक को फांसी दे दी गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब इस ध्यान रखना है तारीख ध्यान रखना है क्या याद रखना है तारीख अब यहाँ से कल पढ़ेंगे अपन ये आ गया गांधी जी असहयोग आंदोलन में जनजातीय योगदान अब इतना याद करना आप इनमें बहुत महत्वपूर्ण आपको चीज़ें मिल जाएंगी ठीक है ना भैया याद कर लेना कर लेगे थक हो जाता है मुझे ले नहीं भगवान ने जवान दही है कहाँ से बोलना पड़ता है तुम एक तो बैंक तुम्हें कौशल है में स्किल डेवलपमेंट हो चुकी है गर्दन से बोल देते हो तुम सिर से बोल देते हो तुम <laughs> बोल देते हो हमें कम समझ में आ पाता है कल सुनूंगा मैं तब ये आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब ये क्या है आप जानते फैक्ट है ना रटने वाले या कोई समझाने वाले तो है नहीं है यदि सुन सुन कर ही आगे बढ़ेंगे तो कल सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे नहीं एक विद्रोह हम भी चालू करेंगे ठीक है ना हमारे <laughs> खिलाफ समझ आए तुम सब अंग्रेज हो हम जनजाति बन जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ तीर कमान शब्द देंगे हम शब्दों से घायल कर देंगे तुम्हें ये याद करके लाओगे कि नहीं बहुत बढ़िया